जी फैसल भाई यार शेव कर देना। ओहो वे यार फैसल भाई ये क्या अशर बनाया हुआ आपने, माथे का कलर अलग है, फेस का कलर अलग है, और ये देखो इतना बड़ा पिंपल निकला हुआ है माथे पे आपका, और ये दिखाओ जरा। अरे हाय अबे कितने रूखे बाल हो रहे हैं यार आपके, और नाक देखिए अपनी कितनी चपटी हो रही है, और ये होंठों को क्या हो गया, कटर की पप्पी ली थी क्या आपने? अबे यार भाई आप एक काम करो, अपना वाइटनिंग फेशियल करवा लो। और अब आप बोलोगे कि हेयर ट्रीटमेंट भी करा लूँ, फिर आप बोलोगे फेस मसाज भी करा लूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपने घर के पेपर आपके पास रखवा देता हूँ और 3 दिन के लिए आपके पास आ जाता हूँ, जितनी भी चीज़ें करते रहना मेरे ऊपर। वैसे ये भी ठीक है, फैसल भाई आपका घर कितने गज का है? यार चुपचाप शेव करो। घर कितने गज का है? एक मिनट यार, माथा भी सही है, नाक भी सही है, बाल भी सही है, और होंठ भी वही हैं। मसला सारा ये है कि शेव से काम नहीं बनता ना, समझे? शुरू करो यार। ओ! हो गया ऑयल चेंज? हाँ उस्ताद सारा काम हो गया, ये लो बिल। 7,000 रुपये? मैं उस्ताद गाड़ी रखी नहीं इससे पहले कभी, फिल्टर की हालत देखी थी एकदम खत्म था, चेंज कर दिया, और ऑयल फिल्टर जेनियन वाला डाला है, चला के देखोगे पता चल जाएगा आपको, और बैटरी का पानी तो आधा था, मैंने पूरा कर दिया उसको, वरना सेल चला जाता। और मैं तो सोचा था कि आपकी गाड़ी का इंजन चेंज कर दूँ, लेकिन इतने में आप टपक गए। अच्छा वो जो पुराने एयर फिल्टर निकला है वो कहाँ है? वो तो मैंने फेंक दिया, वो तो हमारे किसी काम का नहीं था। और वो ऑयल फिल्टर जो जीनियन आपने डाला है वो कहाँ से लेकर आए? अरे मैं तो खुद दिया था, कंपनी से लेकर आया हूँ, पुराना वाला एज यूजुअल फेंक दिया। और आप वो इंजन चेंज करने की बात कर रहे थे? 3,625 रुपये दे देना आप। चलो अब तो सच बता दो भाई, फिल्टर पे हवा मार के सेट कर दिया और ऑयल फिल्टर वही वाला चला दिया, और बैटरी का पानी तो वैसे ही पूरा था। अब इंजन वाली बात तो भाई मैं मजाक कर रहा था यार। यार असल में हमारे ऊपर नवाबी बहुत आ गई है, हम क्या करते हैं अपनी गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कम से कम हिसाब तो लेना चाहिए ना लोगों से। जी भाई मैं टीवी पे कब आऊँगा? आप टीवी पे आ रहे हो, बल्कि मोबाइलों पे भी आ रहे हो लोगों के। अच्छा हाँ तम्मो 2 कप चाय बना दियो, भाई के साथ आ रहा हूँ मैं घर पे। छोटे पाना ला। कभी सोचा तुमने कि तुम ड्राइविंग सीट पर हो और मैं बराबर में हूँ? नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये गाड़ी मेरी है, मैंने ली है। और कैसे ली है? प्लानिंग से, सेविंग से। एक सोच होती है इंसान की, एक डायरेक्शन होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है। कल को तुम्हारी शादी होनी है, बच्चे होने हैं, होता है ना कि बंदे के पास कोई प्लानिंग हो, कोई सेविंग हो, उसके ऊपर वो काम करे, बस ऐसे ही घर में पड़े रहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास लेके जा रहा हूँ कैरियर काउंसलिंग के लिए, जो तुम्हें समझाएगा, बताएगा, सिखाएगा कि चलना कैसे है जिंदगी में, प्लानिंग क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है। आपको कैसे पता कि मेरी कोई सेविंग्स नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है? मतलब मैं साइड इनकम के लिए OctaFX ऐप पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो कि एक प्रीमियर फॉरेक्स ब्रोकर है। OctaFX इज ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स। इनके पास मार्केट की लेटेस्ट इंसाइट्स, फ्री ऑफ लॉस डेमो अकाउंट्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के वेबिनार्स होते हैं। और तो और उर्दू स्पीकिंग कस्टमर सपोर्ट और डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। डाउनलोड OctaFX ऐप फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और अपने फॉरेक्स का सफर एक रिलायबल पार्टनर के साथ शुरू करें। न्यू कमर्स फैसल 100 का प्रोमो कोड यूज करके अपने पहले डिपॉजिट पे दुगना डिपॉजिट हासिल कर सकते हैं। घर चलो भाई, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है कैरियर काउंसलिंग की, इतना सब कुछ पता है। और घर चल के ना ये थोड़ा सा मुझे और समझा देना, सही है ना? मैं भी वाईफाई पर डाउनलोड कर लूंगा, फिर हम दोनों भाई मिलके OctaFX पे ट्रेडिंग करेंगे, सही है? आपके पास तो गाड़ी है ना, क्या जरूरत? OctaFX तो नहीं है ना, कुछ पियोगे? भाईजान 1 किलो प्याज दे देना। अभी देते उस्ताद। ये लो उस्ताद आपकी प्याज, साथ में मैंने टमाटर भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए, और लीमू महंगा होने वाला है ना तो थोड़ा सा लीमू भी डाल दिए, और आपके भाई ने अपना एतमाद भी डाल दिया, तो कुल मिला के आपके हो गए 425 रुपये। 425 रुपये हो गए? मैं तो आपको स्मार्ट समझता था।
आप तो ओवर स्मार्ट निकले, अब जरा पैसे बता दीजिए। बताया ना 425 रुपए। अलग अलग 100 रुपए की प्याज हो गई, 100 रुपए का आलू हो गए, टमाटर के लगा लो आप 70 रुपए, और 30 रुपए का लीमू हो गया। ये तो कुल मिला के 300 रुपए हुए, आप 425 कह रहे हैं। 425 बोले मैंने, 425 बोले मैंने भाई, 300 बोले यार। देखो रेट लिस्ट ऑनलाइन मौजूद है, मैं देख लूँगा तो अभी भागना पड़ जाएगा आपको, तो देख लीजिए। साहब आप एक काम करो, 250 दे दो आप। ये हुई ना बात, ये पकड़े आप 250 रुपये और ये रहे आपके एतमाद के पैसे। तो भाई बात दरअसल ये है कि अलग अलग रेट पूछ लेने चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा हराम का नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज टूना और मैं ABC बैंक से बात कर रहा हूँ, और इस वक्त सुबह के 6:45 हो रहे हैं। क्या मैं मोहम्मद फैसल इकबाल से मुखातिब हूँ? जी फैसल बात कर रहा हूँ। चूंकि आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, इसलिए हमने आपके लिए एक ऑफर निकाली है। सर, आपका इस महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपए है, जो कि आप 3 महीने की आसानी के साथ में पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। सर, क्या आप इस ऑफर को अवेल करना चाहेंगे? देखिए भाई, बात दरअसल ये है कि मैंने जब से क्रेडिट कार्ड बनवाया है, मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लगने दिया, और क्योंकि मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लगने दिया तो आप लोग उससे कमा नहीं सके। अब जब आप लोग कमा नहीं सके तो आप लोग नई नई स्कीम्स तलाश करते हैं मुझे चूना लगाने के लिए। भाई थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें कि सामने वाला बंदा कौन है, और मुझे 100% पता है कि इंटरेस्ट इस पे नहीं है, लेकिन हिडन चार्जेस ज़रूर होंगे। एम आई राइट? जी सर, 3,000 हिडन चार्जेस हैं। तो भाई चूना किसी और को लगाना, चलो शाबा कटो। यार ये लोग नई नई स्कीम्स लेकर आएंगे, कभी कहेंगे बाइक ले लो, कभी कहेंगे गाड़ी ले लो, कभी कहेंगे 3 महीने की आसानी के साथ में बिल भर देना, लेकिन आप लोगों ने इनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है? और वीडियो एंड हो गई है, अब जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी सिचुएशन सबसे ज़्यादा पसंद आई है।